एक तरफ राम राज्य है ना, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सबसे बड़ा एजेंडा इस देश का क्या है कि मंदिर बन गया और वहीं बन गया, राम राज्य आ रहा है। और राम राज्य में एक लक्ष्मण यहां खड़ा होकर पूछ रहा है कि वंचितों और शोषितों की जगह कहां है। इसी देश में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, चुने हुए मुख्यमंत्री थे, राम नरेश यादव चुने हुए मुख्यमंत्री थे, तो यहां से गाली इन्हें दिल्ली के गलियारों से चली करती थी कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। थे कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये बात तो हम लोग देश में घूम घूम के कह रहे हैं। 2024 का चुनाव, यह आखिरी बात बोलना चाहता हूं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। हम तो कबीर के राम को मानते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग डूढ़े बन माए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। और आज ही जिल्ले इलाही का एक भाषण हुआ है, मैं जब जिल्ले इलाही कह रहा हूं तो समझ तो रहे ना किसको कह रहा हूं, क्योंकि वैचारिक मंच पर नाम नहीं लिया जाता बहुत हल्के लोगों का, या नाम सावित्रीबाई फुले का लिया जाता। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों तक वो टेंट में थे तो उन्हें बहुत पीड़ा है, काश बचपन में मैं भी ऐसे टेंट के घर में रह पाता, शायद उन्हें नहीं दिखता कि आज भी इस देश के बहुसंख्यक वंचित शोषित जमात के लोग टेंट जैसे झोपड़ी के घर में रह रहे हैं जिनमें अभी कोई उजाला नहीं पहुंचा है, और उनकी हक मारी इतनी ज़्यादा हुई है कि वही जिल्ले इलाही घोषणा करता है कि 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलता रहेगा। यह है अमृतकाल का भारत। सपने दिखाए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, सपने दिखाए गए थे कि 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, सपने दिखाए गए थे कि 100 स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव बनेंगे, सपने दिखाए गए थे कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और हकीकत यह है कि अब चुने हुए नेताओं का काम अब रह गया है कि धार्मिक स्थलों का उद्घाटन करें। आज का सबसे बड़ा एजेंडा इस देश का क्या है कि मंदिर बन गया और वहीं बन गया, राम राज्य आ रहा है, और राम राज्य में एक लक्ष्मण यहां खड़ा होकर पूछ रहा है कि वंचितों और शोषितों की जगह कहां है। यह विडंबना और विरोधाभास है। हम जानते हैं कि राम राज्य लोकतंत्र नहीं था, हम चाहते हैं कि इस देश में कोई राज हो तो वह संविधान का राज हो और दूसरा कोई राज नहीं। उस संविधान ने सबको बराबर का हक दिया, उस संविधान ने यह हक दिया कि जिसे मंदिर बनाना है मंदिर बनाने वाले, मंदिर में आस्था रखने वाले मंदिर बनाए और उसका कार्यक्रम करें, मस्जिद बनाने वाले उसका काम करें, चर्च और गुरुद्वारे वाले अपने धर्म का प्रचार करें, यह संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन जनता का वोट ले करके सत्ता पाने वाले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बनाए, इसके लिए भारत का संविधान लिखा गया था, और वो लोग केवल धार्मिक काम कर रहे हैं। और उनकी बिकी हुई मीडिया दिल्ली विश्वविद्यालय के इन प्रोफेसरों के किस्से को नहीं कहेगी कि एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आज किस स्थिति में खड़े हुए हैं। और आज ओबीसी महासभा का कार्यक्रम है, जिस व्यक्ति ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कभी अपनी जाति नहीं बताई थी, और जब उसे प्रधानमंत्री बनना हुआ तो उसने कहा कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, और जब 2019 आया तो उसने कहा कि मैं तो अति पिछड़ी मां का बेटा हूं, और जब इस देश के लोगों ने कहा कि आप ओबीसी हो तो एक अच्छा काम करा लो, इतिहास में तुम भी अमर हो जाओ कि जाति जनगणना करा लो, अचानक बोला कि जाति तो होती ही नहीं है। यह है इस देश की हकीकत। और अपने आप वो समझ में आ गया, और मैं तो चूंकि विषय महिलाओं से जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि जिस महिला आरक्षण की बात होती है इस देश में अपमान किया गया, इसलिए जातियां जिंदा हैं और अब सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। इसी देश में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, चुने हुए मुख्यमंत्री थे, राम नरेश यादव चुने हुए मुख्यमंत्री थे, तो यहां से गाली इन्हें दिल्ली के गलियारों से चली करती थी कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। वो इतिहास इसी देश का है और बहुत पुराना नहीं है, 30-40 साल 50 साल हुआ है मुश्किल से। बीपी मंडल साहब के विरासत के सूरज मंडल साहब यहां बैठे हुए हैं, वो बार बार इतिहास इस देश के ओबीसी लोगों को बताने की जरूरत है। वो तो जमींदार परिवार के थे, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत सक्षम थे,
और जब बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री थे और गंगा में आग लग गई तो बिहार के सदन में खड़े होकर एक आदमी ने कहा कि शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। बीपी मंडल साहब ने कहा कि देखो हम तो मुख्यमंत्री बने हैं, गंगा में आग लगी है वो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हमारे यहाँ होने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसे हमें और भड़काना है ताकि बराबर का समाज बनाया जा सके। आज उसी बिहार उसी इतिहास को याद करते हुए जब कोटा विद इन कोटा की मांग की गई थी, चूंकि विषय है महिला आरक्षण का, नई संसद बनाई गई, नया भारत बनाने का ख्वाब दिखाया गया, सुबह ही जिल्ली लाई ने यह भाषण दिया कि यहां बैठकर यह तय हो जाएगा कि भाषा आपकी बताएगी कि कौन विपक्ष में बैठेगा कौन पक्ष में बैठेगा, और शाम तक उन्हीं का सांसद इस देश के एक चुने हुए मुसलमान सांसद को कटुआ मुल्ला और आतंकवादी कहता है, यह नई संसद के पहले दिन की घटना है। उस जगह पर आज आप सम्मान और हक की लड़ाई लड़ने आए, इसलिए मंची शोषित सबकी बात करते हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को उनके पिता ने जब घर से निकाला कि स्कूल खोलना और बच्चों को शिक्षा देना धर्म विरोधी काम है इसलिए घर से निकल जाओ, अपना घर का आंगन खोल दिया था, उसका नाम था उस्मान शेख और उनकी बहन थी फातिमा शेख, उन दोनों ने मिलकर के शिक्षा की ज्योति जलाई। ये है सोशल जस्टिस का आइडिया, सब मिलकर के वो कलम और किताब का भारत बनाना चाहते थे। उस नई संसद में खड़े होकर पहला कानून पेश किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और ऐसा नाम दे करके जब मांग हुई कि कोटा विद इन कोटा उसमें होना चाहिए, एक दौर था, और यह आखिरी बात है चूंकि बहुत वक्त हो गया है, एक दौर था हमारे नेताओं में यह साहस हुआ करता था कि दंगाई रथ के सामने खड़े हो जाएं और रथ अगर न रुके तो रथ चलाने वाले को जेल में डाल दें, यह साहस हमारे नेताओं में एक जमाने में हुआ करता था। हमारे नेताओं में एक जमाने में यह साहस था कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ने कानून की रक्षा की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, तो कोई दंगाई भीड़ अगर किसी पर हमला करने जा रही हो तो उसको रोकने के लिए कानून और संविधान को बचाने के लिए अगर गोली चलानी पड़े तो भी चलाने का साहस था, और इन रथ रोकने वाले और गोली चलाने वाले को कभी जेल नहीं हुई। और जो दूसरे मुख्यमंत्री बने वो ओबीसी समाज के थे और उन्होंने शपथ पत्र दिया था संसद में सुप्रीम कोर्ट में कि हम विवादित ढांचे पर कोई भी कुछ भी होने नहीं देंगे, और उनके रहते वो हुआ, उन्हें एक दिन की जेल भी होनी पड़ी थी। कानून का राज कहां था और कानून के खिलाफ कौन था? आज चूंकि वक्त ऐसा है कि ये सारी बातें बोल दीजिए तो लोगों की भावना आहत हो जाती है, और इस पर भावना नहीं आहत होती कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम किसको लाए थे और कौन राम को ला रहा है, धर्म कहां खड़ा भाई? जिले इलाही की 1000 फोटो लगी है और राम की एक फोटो लगी हुई है, देखा आपने वो तस्वीर, इससे भावना आत नहीं होती। इसलिए आज वक्त ये है, 22 जनवरी को उनकी तरफ से ऐलान होगा कि आज से ये भारत अब राम राज्य में प्रवेश करेगा। 22 जनवरी के बाद इस देश के एससी एसटी ओबीसी का इम्तिहान होगा कि 22 जनवरी के बाद भारत का संविधान कितना बचेगा, इसकी तैयारी हमें करनी है संविधान को हाथ में लेकर। और महिला कोटा विद इन कोटा और उसका वो किस्सा कि जब सदन में खड़े होकर लालू मुलायम और शरद यादव ने विरोध किया तो उन्होंने कहा था 3 यादवाज अगेंस्ट वुमन रिजर्वेशन, जबकि शरद जी ने खड़े होकर कहा कि 33% क्या 50% करना है तो 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दो, लेकिन कोटा विद इन कोटा के साथ ये मांग होनी चाहिए। लेकिन अखबार में कौन, टेलीविजन में कौन, और महिला विरोधी घोषित कर दिया। आज हम शुक्रिया अदा करते हैं उन पार्टियों का भी जो 2010 में जाति जनगणना के समय थोड़ी चाल चल दिए, इसलिए जाति जनगणना जनगणना एक्ट के तहत नहीं हो पाई, लेकिन आज वो भी जाति जनगणना की बात करते हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, तो हम विचारधारा के साथ उन सारे लोगों के साथ खड़ा होना चाहेंगे जो वैचारिक रूप से हमारे साथ खड़े। और उन्होंने ये कबूल किया कि हमसे अतीत में गलती हुई कि हम कोटा विद इन कोटा की मांग नहीं मान पाए थे, तो हम तो जानते हैं दिल बड़ा करने का वक्त है। आज अभी हमारे एक लोग कह रहे थे कि शिकारी आएगा जाल फैलाएगा दाना डालेगा फंसना मत, ये बात तो हम लोग देश में घूम घूम के कह रहे हैं। ओबीसी महासभा के कार्यक्रम में इतने वक्ता क्यों रखे गए? क्योंकि अगर कोई नहीं बोल पाएगा तो कल नाराज हो जाएगा, शाम को ट्वीट करेगा कि अब तो लगता है ओबीसी महासभा टूट जाएगी, वो केवल वही नेता बन रहे, मजबूरी है इनकी, जो नहीं भाषण दे पाएगा वो नहीं कर पाएगा, और जो मैं भाषण दे लिया तो मैं निकल के कहूंगा बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। इससे उबरना होगा, नाक बड़ी हो गई हमारी, दिल छोटा हो गया, और इसीलिए वो जो दुश्मन के लोग वैचारिक दुश्मन लोग हैं वो हमें आपस में लड़ा लेते हैं। ओबीसी का हक कौन मार गया? इन्होंने खा लिया। भाई जाति जनगणना करा के हमको बता दो, दो कदम हम पीछे हो जाएंगे, हम तो तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं।
बिहार सरकार को यहां से क्रांतिकारी सलाम करिए कि उसने जाति जनगणना कराकर बता दिया कि 3% वाले 60% से 90% कब्जा किए हैं और जो 63% हैं वो 23% भी नहीं कब्जा किए हैं। ये आईडीएफ इंडिया का सवाल है, इसलिए जाति जनगणना आज इस देश में जो भी उठाए इस मांग को, हमें उसके साथ खड़े होने का वक्त है। और 2024 का चुनाव, यह आखिरी बात बोलना चाहता हूं, एक राम दशरथ का बेटा एक राम है, घर घर लेटा एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। हम तो कबीर के राम को मानते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग डोड़े बनमाय, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देख के नाय। और आज राम को वहीं ले आ रहे हैं भैया, उंगली पकड़ के ले आ रहे हैं, इसलिए हम वो नहीं मानते। हम कबीर को मानते हैं, रविदास को मानते हैं, हम बुद्ध को मानेंगे, और फूले अम्बेडकर पेरियार के साथ ये ऐलान करना चाहते हैं, क्योंकि हम न्याय के पक्ष में हैं, कोटा विद इन कोटा के साथ महिला आरक्षण आज ही लागू हो, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। जिले इलाई ने जो घोषणा की है वो 2029 में नहीं 34 के बाद भी लागू नहीं हो पाएगा, ऐसा महिला कोटा विद इन, लेकिन गांव के लोग तो समझेंगे नहीं। जैसे गांव के लोग ये नहीं समझते कि मंदिर किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, वो समझते हैं कि जिले इलाई बनवा रहे हैं, अपनी जेब के पैसे से बनवा रहे हैं, और निमंत्रण भी वही बांट रहे, नहीं जाओगे तो तुमको देशद्रोही कह देंगे। अच्छा तो यह हुआ कि उन्हीं के धर्म गुरु ने कह दिया कि ये तो पाप हो रहा है, अधूरा मंदिर बन रहा है। अब कहो उनको सनातन विरोधी, तुमने इस देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों को हर कदम पर धर्म विरोधी कह के उनको अपमानित किया। देखिए धर्म का काम करने वाले जोर से बोलते हैं, उनके सामने कैमरा माइक लाइव चल रहा है, अयोध्या में सब टेलीविजन चैनल का वहां पर सेंटर खुल गया है, रोज दिन रात अयोध्या दिखाई जा रही है, लेकिन इस देश में शिक्षा की मांग करने वाले लोगों की लड़ाई को कोई लड़ना नहीं चाहता। इसलिए कई बार हमारे लोगों को भी लगता है कि अब तो एक ही तरह का नैरेटिव है, लेकिन हम लोग इस मंच से कहते रहेंगे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चिड़ियों फंसना मत। मगर एक बात और याद रखिएगा, जाल में कबूतर ही फंसाए जाते हैं, बाज नहीं फंसते। इसलिए अगर ताकत का एहसास हो कि आपको अगर आबादी ज्यादा है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है, और मैं ओबीसी लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं, प्रोफेसर रतनलाल ने जो बात कही उसको इंडोर्स करते हुए कहता हूं, डॉक्टर रितु अगर कोई लड़ाई लड़े और उसके साथ अगर ओबीसी के लोग नहीं खड़े हैं तो माफ करिए 85% की बात करना बेमानी है। अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ अन्याय हुआ और उसके साथ पूरा दलित समाज खड़ा हुआ तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि 85 और 90% लोग एक हैं, क्योंकि वो रिश्ता सामने दिख जाता है, जरूरत पड़ने पर कौन किसके साथ खड़ा है। आखिरी वाक्य, दिल बड़ा करें और नाक छोटी कर लें, आइए मिलकर के, बहुत बुरा वक्त आने वाला है और इसकी घोषणा नहीं होगी, ये चुपचाप आएगा, रामराज आएगा तो शंभूक वध होगा। इसलिए हम शंभूक को मानने वाले लोग एक सवाल करते हैं कि रामराज नहीं, आप राम को अपने पास रख लो, राज हमारे पास दे दो, हम संविधान का राज बनाएंगे। बहुत बहुत